ईदगाह में नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जिले भर के ईदगाह और मस्जिदों में नमाज शुरू हुई है। पुलिस ड्रोन कैमरे से रख रही है यहाँ पर आसमानी नजर। ईदगाह मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है। SSP और DM सिटी की बड़ी ईदगाह पर मौजूदगी यहाँ पर, और सिटी की बड़ी ईदगाह में नमाज अदा होनी आज देखें यहाँ पर जिले भर की ईदगाह मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। ऐसे में ड्रोन की मदद से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं। जहाँ पर ईदगाह है वहाँ पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन की देखिए सख्ती देखी जा रही है। सिटी की बड़ी ईदगाह नमाज के बाहर भी यहाँ पर देखिए पुलिस चौकन्ना है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर आसमानी नजर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर SSP DM सिटी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में ईदगाह का त्यौहार मनाया जा रहा। वही संभल में भी आज ईद की नमाज को लेकर तैयारी जोरों पर है। ईदगाह पर होगी ईद की नमाज अदा यहां पर, और इसी के साथ कोतवाल में भारी पुलिस बल पुलिस के साथ मौजूद यहां पर 9 बजे अदा की जानी ईद की नमाज। यहां पर भी बैजू स्थित ईदगाह का मामला जहां पर पुलिस प्रशासन पहले से देखिए अलर्ट है। इसी के साथ 9 बजे ईद की नमाज को अदा करने के लिए लोग पहुंचेंगे। बैजू स्थित ईदगाह का मामला, ईद की नमाज को लेकर तैयारियां संभल में भी जोरों पर है, और इसी के चलते प्रशासन अलर्ट, कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो कोतवाल के साथ भारी पुलिस बल भी देखिए ईदगाह के बाहर मौजूद। यहां पर संभल में भी ईद की नमाज को लेकर चौकसी है। और अलीगढ़ से अगली खबर है जहां पर ईदगाह पर कोरोना के 2 वर्षों बाद नमाज पढ़ी गई। यहां पर आज ईद उल फितर की शुरू हुई नमाज। ईदगाह पर भारी पुलिस बल तैनात। यहां पर कोरोना के 2 साल बाद देखिए यहाँ पर 2 वर्ष बाद यहाँ पर ईद की नमाज जो है वो पढ़ी जा रही है। ईदगाह पर भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भी ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की है। ईदगाह पर कोरोना के 2 वर्ष बाद ये नमाज अदा की गई। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरठ से। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, किस तरीके से वहां पर आप देख रहे हैं आज मस्जिदों के बाहर, ईदगाहों के बाहर पुलिस चौकसी बरते हुए है ईद को लेकर? देखिए शिवांगी, 2 साल बाद ये कोरोना का जो लॉकडाउन रहा, कोरोना का जो काल रहा, उसके बाद ये ईद की नमाज 3रे साल में जाकर ईदगाह में हो रही है। और आप देखेंगे कि सरकार ने पिछले 7-8 दिन से इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो ईद की नमाज है वो सड़क पर नहीं होगी, और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकस व्यवस्था की है। लोगों को पहले से कन्वेंस किया जा रहा है, जो शहर काजी हैं उनसे भी ऐलान कराया गया कि जो रोजेदार हैं या फिर जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो सड़क पर ईद की नमाज ना अदा करें। और इसी को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है। मेरे पीछे आप ये देखेंगे कि मैं इस समय जामा मस्जिद के बाहर हूँ, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो डिप्लॉयड की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी तैनात है। मेरे पीछे ये गाड़ी रैपिड एक्शन फोर्स की खड़ी हुई है, और व्यवस्था कुछ तरीके से की गई है कि जो रोडवेज बस स्टैंड है मेरठ का, वहीं से डायवर्जन कर दिया गया है, और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, अफसर तैनात हैं, पुलिस वाले जो हैं वो हर 10 कदम पर आपको तैनात मिलेंगे। तो कोशिश यही है कि सड़क पर जो नमाज है वो ना पढ़ी जाए। इस समय ईदगाह के बारह मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स इकट्ठा है। इसके पीछे आप ये देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर जो ये चाह रहे हैं कि वो सड़क पर नमाज पढ़ लें, और इसी इंतजार में यहाँ मेरे पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि जो नमाज है वो बस शुरू ही होने वाली है थोड़ी देर में। तो उनसे ये अपील की जा रही है कि वो यहाँ के बजाय जो पास में फैजे आम इंटर कॉलेज की जो मस्जिद है वहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ भी नमाज का इंतजाम किया गया है, वहाँ पर वो अपनी नमाज अदा करें। ठीक है, और अब अलीगढ़ चलेंगे। वहाँ से हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़े हुए हैं अलीगढ़ में भी, क्योंकि आज नमाज अदा करने को लेकर तैयारियां हैं। मुकेश, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ की तस्वीरें कैसी आज ईद के दिन? देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ रूरावर क्षेत्र का है शाहजमार ईदगाह, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ईद की जो नमाज है, ईद उल फितर की नमाज वो जो संपन्न हो चुकी है, और सभी जो नमाजी हैं वहाँ से बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, 2 साल बाद यानी कोरोना का जो टाइम था, 2 साल बाद नमाजियों को नमाज जो है ईदगाह में और मस्जिदों में पढ़ने को मिली है। इससे पहले करीब 2 साल तक ये जो त्योहार था तो सिर्फ वो घर में बंद रहकर ही और अपने घर के आंगन में ही मना पा रहे थे, लेकिन इस बार उनको मौका मिला है
एक बार फिर से ईदगाह में आकर सभी लोगों को, सभी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ एक साथ मिलकर जो नमाज पढ़ी गई है और शांतिपूर्ण ढंग से नमाज यहाँ पर अदा हो चुकी है। आपको बता दें यहाँ पर जो है भारी पुलिस दल जो तैनात रहा है और चारों तरफ से जो बैरिकेड करके जो है जो भी रूट डायवर्जन था रूट डायवर्जन किया हुआ था, क्योंकि जो अलीगढ़ का ईदगाह है यहाँ पर जो मुख्य नमाज जो पढ़ी जाती है पूरे जिले की, हालांकि अलग अलग जगह पर पढ़ी जाती है लेकिन ये शहर की जो यहाँ पर पढ़ी जाती है। इसी तरह जो कई ईदगाह जो अन्य मौजूद है और मस्जिद है वहां भी जो ईद को जो ईद की जो नमाज अदा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं नमाज की जरा बात कीजिए। नाम क्या आपका? अमीन। सर ईद की नमाज आपने पढ़ी है, क्या खुशी है? काफी खुशी है जब दो साल के बाद ईदगाह में सभी को नमाज पढ़ने के मिली, इसका हम धन्यवाद शहर के प्रशासन जिला इंतजामिया और शासन को देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने अपना सहयोग किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आपका क्या कहना है? मेरा नाम हाजी शफीक है और तकरीबन तीसरे साल में ये ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर आज अदा की गई है, बल्कि पूरी दुनिया में आज 3 साल के बाद ईद की नमाज अदा की जा रही है। मैं कहता हूँ कि इसी तरह जैसे अब माहौल चल रहा है भाईचारे का, हिंदू मुसलमान एक होकर भाईचारे थे, आज ईद भी मनी है, थोड़े दिन पहले रामनवमी मनी थी, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से अगर प्यार मोहब्बत रहे और हिंदू मुसलमान एक रहकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा बहुत आगे जा सकता है। अगर हम आपसी लड़ाई में लड़े सड़क पे नमाज और रहे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे देश के बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि गंगा बहती है तो बहने दो, गंगा बहती है तो बहने दो, मत करो आपस में दंगा रहने दो, लाल पीले हरे नीले झंडों में ना बांटो, हाथ में बस एक तिरंगा रहने दो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। इस बार लाउड स्पीकर को कम किया गया, इसको क्या कहना है, क्या मानते हैं? देखिए लाउड स्पीकर के बारे में जहां तक मेरा मानना है, मेरी अपनी राय है कि जिसको नमाज पढ़नी है 5 वक्त की वो बिना लाउड स्पीकर के भी बिना अजान सुने भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता है। जरूरी नहीं है लाउड स्पीकर पे नमाज अजान हो और फिर नमाज पढ़ने हम जाए। और जिसको नमाज नहीं पढ़नी वो उसके आप कान पे भोपू लगा दिए वो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। तो मैं अगर और फिर देखिए हमारे हुजूर ने भी ये फरमाया है कि आप जिस देश में रहें उसके कानून का पालन करके रहें, तो हम हुजूर के फरमान का पालन कर रहे हैं और लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं। कोई अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक किसी भी तरह का कोई पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर को लेकर प्रदर्शन नहीं हुआ। क्यों? कि हमें जरूरी नहीं है लाउड स्पीकर पे अजान हो। देखिए यहाँ साफ तौर से इनका कहना है कि जो कोरोना काल के बाद अभी एक साथ नमाज पढ़ने को मिली है, इस बात को लेकर बहुत खुशी है क्योंकि ईदगाह जो है आज उनको बिल्कुल लोगों से भरा हुआ था। और उसके अलावा उनका यह भी कहना है कि प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है वो भी काफी अच्छी है और लाउड स्पीकर होना या ना होना उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों की जुबान तक रह जाता है। और जिस तरह से अब यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है आप देख सकते हैं, मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ किस तरह से लोग नमाजी अपने नमाज अदा कर जो वापस जो है ईदगाह से घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद सभी लोग अपने अपने परिवार में जाएंगे, परिवार में एक दूसरे से जो है ईद की नमाज की जो एक दूसरे को शुभकामना देंगे और या यहाँ से जाने के बाद सभी एक दूसरे को जो कह सकते हैं कि एक मीठी ईद है तो मीठी ईद के हिसाब से जो एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाएंगे और ईद से संबंधित जो भी सामान घर पे बनते हैं और एक दूसरे को मिलने का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। आप जो व्यवस्था देख सकते हैं कि हालांकि प्रशासन ने काफी व्यवस्था बनाई है लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं मुख्य ईदगाह है तो यहाँ पर भीड़ इतनी होती है ईदगाह पर नमाजियों की कि यह नमाज के टाइम में गली गया करते हैं, भीड़ कम नजर आती है लेकिन उसके बाद भीड़ एक साथ नजर आती है, हजारों की तादाद में यहाँ नमाजी जुटते हैं और यहाँ सिर्फ छोटे से शहर मतलब जगह से नहीं आते, काफी दूर से नमाजी यहाँ आते हैं और नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर जो मौलवी हैं वो अपना पूरी तरह से जो अपना उनको
नमाज के दौरान जो नमाज पढ़ाते हैं और सभी को जो है शांति सुख से रहने की जो है कहते हैं कि जिससे कि कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना ना हो अप्रिय जिससे कि जो है माहौल खराब हो सके और देश में जो माहौल बना हुआ है उसको शांति से जो है लोग रह सके और किसी प्रकार से माहौल खराब ना हो। और जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, लगातार लोग जो है यहाँ ईदगाह से अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक नमाजी जो है दिख रहे होंगे। और यह जो ईदगाह है यहाँ रोरावर क्षेत्र का है, उसको साजमल क्षेत्र में कहते हैं, साजमल क्षेत्र में पड़ता है। लोग पहुंचे हुए हैं और हमारे और भी दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हैं, संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रोहित आपके पास आ रही हूँ, जरा रायबरेली की तस्वीरें भी आप दिखाइए, आज ईदगाहों के बाहर कैसी भीड़ है और कैसी वहां पर चौकसी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं तो अगर रायबरेली की ईदगाहों की बात की है तो रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, पूरी तरह जहाँ पे ईदगाहों के आसपास ड्रोन कैमरे लगा दिए गए हैं, पुलिस बल की भारी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है ताकि जो है नमाजियों को नमाज अदा करने में कोई दिक्कत ना आ सके। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा कल रिहर्सल भी इस चीज को लेकर किया गया था और आज ड्रोन कैमरे की निगरानी में नमाज अदा की जाएगी। हमारे साथ जुड़े हैं रोहित लखनऊ से, संजय यहां पर आज क्या सुरक्षा है, किस तरीके से लखनऊ में इंतजाम है आज ईद के त्योहार को लेकर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आज नमाज अदा की जानी है अलग अलग वक्त पर। बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि दो साल बाद चूंकि कोविड था तो ऐसे में बहुत ही लिमिटेशन पे त्योहारों का जो गूंज थी वो सड़कों पे देखने को नहीं मिल रही थी। इस बार पूरे जोश और खरोश के साथ ईद का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, उसको लेकर के सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर हर चौराहे हर मस्जिद बड़ी मस्जिद जहाँ पर नमाज अदा की जानी है भारी संख्या में पुलिस फोर्स बल लगाया गया है, किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी किसी प्रकार की कोई घटना न घट पाए। साथ ही साथ मैं बताऊं कि 9 बजे टीले वाली मस्जिद पर नमाज अदा की जाएगी, 10 बजे ऐशबाग जो ईदगाह है वहां पर नमाज अदा की जाएगी। तो अलग अलग जगहों पर जो नमाजी हैं वो अपने अपने समय पर नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद चूंकि भाईचारे का यह त्यौहार है और गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर अक्सर लखनऊ में देखने को मिलती है तो लगातार उसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही हर जगह पर लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, नमाज के बाद इस त्योहार का जोश और खरोश देखने को मिलेगा। शिवांगी बिल्कुल, संजय अब हम मेरठ चलेंगे, वहां से हमारे संवाददाता नरेंद्र भी जुड़े हैं जो कि ईदगाह के बाहर ही मौजूद है। और नरेंद्र आपने वहां पर तस्वीरें तो दिखाई लेकिन जरा जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जो नमाजी वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर आप उनसे भी बातचीत कर पाए तो कीजिए जरा, आज के त्योहार को किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है पूरे रमजान में जो लोग रोजे रखते हैं, उसके बाद आज के दिन इस तरह का जो नमाज का कार्यक्रम है, इसके बाद पूरे दिन ईद मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो आए हैं नमाज पढ़ने के लिए और ईदगाह के बाहर मौजूद हैं। साहब ये बताइए कि ये पूरा महीना रहा रोजों का, उसके बाद ये वक्त आया है और आज आप सब लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। हाँ, और जो व्यवस्था है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया है। अच्छा, जो अब की बार जो सड़क पर नमाज को बताया गया है कि यहाँ पर नहीं करनी है, लेकिन जो और दूसरी मस्जिदें हैं वहाँ पर अलग अलग टाइम में व्यवस्था की गई है, उससे आप सब लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हाँ, तो जो लोग हैं वो इसलिए खुश हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा त्यौहार है उनके लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सड़क पर नमाज को रोका गया है उसके लिए ये व्यवस्था पुलिस प्रशासन और पूरे समुदाय की ओर से की गई है कि जो छोटी बड़ी मस्जिदें हैं शहर की, सैकड़ों मस्जिदें हैं जहां पर सुबह 5:45 बजे से ही नमाज की शुरुआत कर दी गई है। अब की बार जो लाउड स्पीकर सड़क पर पहले लगा करते थे वो नहीं लगे हैं और जो बदलाव दिख रहा है वो ये है कि सड़क पर नमाज नहीं हो रही है। लोगों ने जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया है और कोशिश ये की है कि जो जश्न है उसको जश्न की ही तरह मनाया जाए, इसीलिए लोग 5:45 बजे से अलग अलग मस्जिदों में जो जो उनके इलाके में बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए हमारे सारे मैं संवाददाताओं का धन्यवाद। इन तस्वीरों को आपने दिखाया किस तरीके से पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा।